वेलकम बैक टू विज्ञान का ज्ञान फ्रेंड्स। आज टर्म टू में सोशल स्टडीज का वन ऑफ द मोस्ट हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है नेशनलिज्म इन इंडिया। नो डाउट कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी इससे आपको मिलेंगे। इसका बेनिफिट ये भी है कि हम जिस राष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जो हमारा नेशन है, हमने किस तरह की तकलीफ और यातनाओं को झेलते हुए अपने देश को आज़ाद कराया। हम लोगों का मतलब हमारे पूर्वजों से है। हमारे देश की आज़ादी के पीछे की कहानी क्या है, हमारे पुराने राजनीतिज्ञ व्यक्ति या फिर महात्मा गांधी जैसे लोग, भगत सिंह का, इन सभी लोगों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, ये जानना बहुत ज़रूरी। कहते हैं कि किसी भी देश की युवा पीढ़ी को सबसे मजबूत तब माना जाता है जब उसे अपनी इतिहास पता हो, साथ ही साथ भूगोल भी पता हो। अर्थात हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि हमें अवेयर करता है कि किस तरह के लोग आए थे और उन्होंने हमारे साथ क्या किया जिसकी वजह से हमें वो यात्राएँ झेलनी पड़ी। तो आइए इस चैप्टर की जर्नी को प्रयास करते हैं कि एक ही वीडियो में आपके सामने लाएं, ताकि बोर्ड की तैयारी में सिर्फ आपके लिए एक सिंगल वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। मैं ट्राई करूंगा कि बीच बीच में पढ़ाते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस की ओर भी फोकस करूं कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि पहला आपका दिया हुआ है, अब यहाँ हम लोग शुरू करते हैं। न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएटेड इन इंडिया बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए, हुआ क्या था कि उन दौरान में दुनिया में विश्व युद्ध का सिचुएशन था। कहते हैं कि जब युद्ध होती है तो किसी भी देश को आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। रीजन क्या है कि जब युद्ध होगा तो प्रोडक्शन कंपनियां बंद हो जाएंगी, लोगों का आवागमन ठप होगा, लोग काम काज में उतने अच्छे से नहीं एक्टिव रह पाएंगे। और एक जो नॉर्मल सिचुएशन किसी देश की होती है, उस देश की सिचुएशन से यह बिल्कुल विरुद्ध और विपरीत चली जाती है, जिसका नतीजा होता है यदि युद्ध लंबा चला तो उसके लिए आर्थिक मतलब ज़रूरतें बढ़ जाती है, जिसकी वजह से देश में तमाम चीज़ों पर महंगाई लागू हो जाती है। तो हुआ क्या कि इससे पहले जब भारत पर अंग्रेजों का आक्रमण हुआ और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, उस समय तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक मालूम पड़ा कि पूरी दुनिया में विश्व युद्ध छिड़ गया है। और इस विश्व युद्ध में इंडिया जो है ब्रिटेन के साथ मिल करके ब्रिटिश इंडिया के नाम से उस युद्ध का हिस्सा बनी। और ब्रिटिशर्स ने हमें यह सपना दिखाया कि इस युद्ध में अगर आप हमारा साथ देंगे और पूरे तन मन से अगर इस युद्ध को लड़ेंगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सपना था भारतीयों के लिए, तो भारतीय भी तैयार हो गए। अब चूंकि युद्ध लंबी चलनी थी तो इस युद्ध के चलने की वजह से, इस वॉर की वजह से कहीं ना कहीं देश पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अगर लड़ाई करेंगे तो उसके लिए बम गोला बारूद की जरूरत पड़ेगी और वो चीज़ें जब कम पड़ेंगी तो उसके लिए अतिरिक्त पैसों की जरूरत पड़ेगी और ये अतिरिक्त पैसे आएंगे जनता से। यानी कि कुल मिला करके इस पहली स्लाइड में आपके सामने ये बात रखी गई है कि जब विश्व युद्ध हुआ तो इससे यहाँ के कामकाज प्रभावित हो गए और लोगों के सामने में एक ऐसी परिस्थिति आई कि उन्हें टैक्सेशन का सामना करना पड़ा और भारत में टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। हालांकि आप इस स्लाइड को आप चाहें तो आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए इसमें कहानी क्या थी। मैनचेस्टर इंपोर्ट इनटू इंडिया डिक्लाइंड एज द ब्रिटिश मिल वर बिजी विद वार प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी पेविंग द वे ऑफ इंडियन मिल्स टू सप्लाई द यूज ऑफ मार्केट। अब एट द सेम टाइम उसमें जो था युद्ध के लिए जो उपकरण बनाने में ब्रिटिश के तमाम मशीनरीज और तमाम इंडस्ट्रीज बिजी थी और जो भारत के छोटे मोटे मिल्स थे उनको कहा गया कि ये जरूरतें पूरा करें। और जाहिर सी बात है कि जब एक छोटी सी संस्था पर बड़े लोड पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको आयात निर्यात में बैलेंस करना, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता है। और जब चीज़ें प्रोडक्शन कम होती है और उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ सकते हैं महंगाई बढ़ेगी। अगर आज देश में सिर्फ 100 किलो नमक हो और उस 100 किलो नमक को खरीदने के लिए 1 लाख लोग हो तो शायद नमक की कीमत भी 1 लाख रुपये किलो होगी, ताकि सब लोग ना खरीद सके। और यही हुआ, युद्ध की सिचुएशन की वजह से महंगाई बढ़ी और लोगों की अतिरिक्त बोझ बढ़ा और मिल्स अपना काम करना नॉर्मली छोड़ दिया। दूसरा, एज अ वॉर प्रोलॉन्ग इंडियन फैक्ट्रीज वेयर कोल्ड अप टू सप्लाई वॉर नीड्स। जैसे लड़ाई बढ़ी, इंडिया की फैक्ट्रीज को कहा गया कि युद्ध के लिए जो जरूरी चीजें हैं आप उसकी सप्लाई करो। न्यू फैक्ट्रीज वर सेट अप, नई कारखाने लगाए गए, न्यू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड, नए कारखाने में नए लोगों को लगाया गया, एंड एवरीवन वाज मेड टू वर्क लॉन्गर आवर्स। और सभी को जबरदस्ती अतिरिक्त घंटों तक काम करने के लिए प्रेशर बनाया गया। जो लोग कल तक 6 घंटे काम करते थे उनसे 12 घंटे 15 घंटे काम कराया जाने लगा।
तीसरा कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स एंड एक्सपोर्ट टू कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली आफ्टर द वॉर एज इट वॉज अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कंपेयर विद अस जर्मनी जापान हेंस विद द कॉलोनीज लाइक इंडिया लोकल इंडस्ट्री ग्रेजुअली फॉल डाउन। अब कहीं ना कहीं कहने का मतलब है उस समय में हम कॉटन के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया के में जाने जाते थे और नो डाउट हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी करते थे, लेकिन वॉर में लगा दिया गया सारी फैक्ट्रीज को और एम्प्लॉयज जो थे उसमें लंबे लंबे समय तक काम करने लगे, जिसकी वजह से परिस्थितियाँ ये आई कि यहाँ पे कॉटन का जो एक्सपोर्ट होता था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ और युद्ध की वजह से भारत को इकोनॉमिकली एक ड्रामेटिक चेंज का सामना करना पड़ा। अगले समय अब बात आती है कि जाहिर सी बात है कि इस तरह की सिचुएशन में एक चीज और आप देखेंगे कि सत्याग्रह, इसको अगर हम लोग संधि विच्छेद से बोले तो सत्य का आग्रह करना, यानी कि टू रिक्वेस्ट फॉर ट्रुथ, यानी अब सच्चाई क्या थी, ये सत्याग्रह था क्या, ये क्यों लाया गया है, इसके क्या एस्पेक्ट्स थे, आजादी की लड़ाई में सत्याग्रह का क्या योगदान है, महात्मा गांधी ने इसे क्यों लाया, क्या सोचा वगैरह वगैरह ये करके देखते हैं। चंपारण सन 1916 पहली बार सत्याग्रह चंपारण बिहार में लॉन्च किया गया, जिसे आज की डेट में मोतिहारी कहते हैं। मोतिहारी बिहार का एक पूर्वी चंपारण का बड़ा अच्छा जिला है और उस जिले में हुआ क्या, तो वहाँ एक किसान थे जिन्होंने महात्मा गांधी को पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की कि बाबा दिक्कत ये है कि थोड़ा सा खेत बचा है, इस खेत में भी हम लोगों को टैक्स का सामना करना पड़ता है, जागीरदारी का सामना करना पड़ता है, हमें लगान देना पड़ता है, इसके बावजूद वो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नंबर वन बनाने के चक्कर में हमारे खेतों में नील की खेती कर रहे हैं और ये नील की खेती जिस खेत में होती है वो खेत बंजर हो जाता है। तो इसके लिए उनके लिखे गए पत्र पे सन 1916 में चंपारण में भारतीय रेल के द्वारा महात्मा गांधी बिहार में गए, बिहार के उस मोतिहारी से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की, एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा खेड़ा, इन 1970 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात टू सपोर्ट द पुअर पीजेंट्स हु वर डिमांडिंग रिलैक्सिंग इन रेवेन्यू कलेक्शन। अब ये रेवेन्यू का कलेक्शन क्या था, गुजरात के खेड़ा, गुजरात में खेड़ा एक जगह है जहां पे मिल्स में लोग काम करते थे, अब वहां के किसानों से भी, मिल्स की बात छोड़िए पहले बात किसानों की करते हैं, वहां के जो पीजेंट्स थे उनसे जबरदस्ती एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। खेड़ा के भी किसानों ने पत्र लिखा महात्मा गांधी को कि बापू इस समय हम देश में कैसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं कि हमारे खेतों पर बहुत अतिरिक्त लगान देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो हम एक्सपेंडिचर उस खेत में लगा रहे हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं कामनाएं हैं उन सबको मार करके हमें खेती करनी पड़ रही है और उस खेत से सिर्फ हम उतना ही अनाज ले पा रहे हैं कि बमुश्किल हमारा पेट भर सके, बेचना तो बहुत दूर की बात है। तो ये भी एक सिचुएशन था जब किसान रोए और उन्होंने महात्मा गांधी को याद किया। तीसरा परिस्थिति क्या थी, तीसरी परिस्थिति में अहमदाबाद सन 1918 में उन्होंने सत्याग्रह कॉटन मिल वर्कर्स के लिए शुरू किया। ये तीन स्लाइड ये बताता है, यहाँ पर आपको तीन बातें याद रखनी है कि सत्याग्रह की शुरुआत बिहार से होती है और ये अहमदाबाद गुजरात के कॉटन मिल वर्कर्स तक पहुंचती है, इस बीच में खेड़ा के किसानों की भी बात होती है, यानी कुल मिलाकर के ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ हर जगह किसान परेशान थे ब्रिटिश की पॉलिसीज की वजह से। ये पॉलिसी वो थी कि लैंड तुम्हारी होगी लेकिन उस लैंड पे लगान हमारा होगा, हम तय करेंगे कि तुम्हें कितना लगान देना है, ये आम आदमी के लिए एक बहुत दर्दनाक विषय था। खैर अगले स्लाइड पर चलते हैं, इसी के मतलब कहें कि दुख की वजह से, अगर इसे हम दुख कहें तो भी हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह जब चालू हुआ तो उसी समय में ब्रिटिशर्स को ऐसा लगने लगा कि ये चीज अगर लंबा चल गया तो लोग हमारे मिल में काम करना छोड़ देंगे, और जाहिर सी बात है कि सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने जो आवाहन किया था उसमें सबसे पहले तीन चीजें आवाहन थी, पहला कि अंग्रेजों से विनम्रता पूर्वक उनके इंडस्ट्रीज का काम आप करना छोड़ दो, उनको कोई सपोर्ट करना छोड़ दो, आप जिसको हम लोग नॉन कॉपरेशन से भी जोड़ के देख सकते हैं, नॉन कॉपरेशन भी कुछ ऐसा ही था कि इसमें कहा गया कि भाई हम रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट फुली करेंगे कि भाई आप हमारे देश को लगान से कर्ज से मुक्त करो और जाओ अपने देश में, यहाँ क्या कर रहे हो। अब ऐसी स्थिति में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक बहुत हिंसक एक्ट आती है जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 में आया और इसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अनएनिमस अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स गांधी जी पेशेंस कम टू एन एंड। यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे सब्र की परीक्षा ली गई और वहाँ के काउंसिल से कुछ ऐसे नियम बनाए गए जो भारतीयों को पूरी तरह से दबाने के लिए थी, और यह चीज़ देख करके महात्मा गांधी के अंदर जो सब्र था वो खत्म होने लगा, और उस सब्र के खत्म होने से क्या हुआ वो आगे देखिए। गांधी जी वॉन्टेड नॉन वायलेंट सिविल डिसऑबिडियंस अगेंस्ट अनजस्ट लॉ, अनजस्ट लॉज
विच वुड स्टार्ट विद अ हैटल ऑन 6th अप्रैल। गांधी जी चाहते थे कि एक सिविल डिसऑबिडियंस हो, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, वो भी नॉन वायलेंट, यानी कि हमारी तरफ से हम कोई हिंसा ना करें। मतलब कहने का मतलब कोई आपको आया आपका कुछ छीन के जाए, और महात्मा गांधी का कहने का मतलब है कि वो छीन के जा रहा है तो जाने दो, उससे लड़ो मत, उससे बड़े प्यार से बात करो। इनके अनजस्ट लॉ का यहाँ संदर्भ है अन्याय वाले कानून से, आप विनम्रता पूर्वक लड़ो। Which is start with a hattle on 6th April. और जाहिर सी बात है इसकी शुरुआत जो है 6 अप्रैल को एक विध्वंसक रूप में हुई। 6 अप्रैल 1919 was observed as सत्याग्रह डे। याद रखिएगा बच्चों इस डेट को, ये माइंड में सेट करिए। 6 अप्रैल 1919 was observed as सत्याग्रह डे, when people all over the country observed fast एंड हैटल। एक समय में 6 अप्रैल 1919 के दिन भारत के लोगों ने बड़े शांति और विनम्रता पूर्वक उपवास किया, आंदोलन किया। अब उस उपवास और आंदोलन का मकसद सिर्फ इतना था कि जो बहरी अंग्रेजी सरकार है उसके कान तक ये आवाज़ पहुंचाना कि हम आपसे लड़ तो नहीं सकते, लेकिन जो अन्याय आप हमारे साथ कर रहे हैं इस अन्याय का हम बहुत मुस्कुरा कर अपनी जान दे देंगे, लेकिन आपके अन्याय के साथ हम एक कदम चलेंगे। बड़ा सिंपल सी चीज है कि आपको मैं मारूं, आप मेरे स्टूडेंट, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको मारूं और आप मेरी मार का जवाब ना दें और एक मुस्कुराहट के साथ कहें कि आप और कर भी क्या सकते हैं। इस चीज को करने का असर ये होता है कि आदमी शर्मिंदा हो जाता है, अरे यार हमसे तो बड़ी गलती हो गई, हमने जिसको मारा वो कहा आप इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। कभी कभी क्या होता है कि जब आपको कोई मारता है और आप पलट के एक थप्पड़ मार देते हैं तो दोनों तरफ से वो लड़ाई बढ़ती है। महात्मा गांधी की ये सोच थी कि जब वो हमें मार रहे हैं और हम उन्हें मारेंगे तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, बेहतर है उनके थप्पड़ का जवाब शांति और प्रेम से दें और ये अपने आप को बेबस साबित करके उनके दरवाजे पर जा कर के भूख प्यास को अपनाते हुए, अनशन को अपनाते हुए, शांति को अपनाते हुए उस आंदोलन का हिस्सा बने और अंततः अपने प्राण त्याग दें अगर वो न सुने तो, जो कि एक बहुत बड़ी चीज थी। अब समझ रहे कितनी बड़ी प्रेसेंस होगी। खैर 1919 में द कंट्री विटनेस्ड अ रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया। 1919 में पूरे देश में एक राजनीतिक बहुत बड़ी जागरूकता हुई, लोगों को ऐसा लगने लगा। देखिए स्लाइड से अलग में हमको समझा रहे, जल्दी जल्दी समझाना है। राजनीतिक सिचुएशन ये थी कि हमें ये लगने लगा कि जब राजनीति में हमारे कुछ लोग बड़े लोग नहीं होंगे उनकी असेंबली में बैठे हुए तो हमारी आवाज के लिए उठेगा कौन, यानी कि कुल मिलाकर के हिडन डेमोक्रेसी। क्या था वर्ड बोलिए? हिडन डेमोक्रेसी, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया नहीं था, क्योंकि यहाँ तो भाई क्वीन और किंग का जमाना चल रहा था, ब्रिटिश क्वीन थी एलिजाबेथ थी, ये वो दुनिया जहां वो लोग राजाओं के तंत्र पे चलते थे। और हमारे देश में गांधी जी ये सोचते थे कि राज्य चलता है राजतंत्र से, प्रजातंत्र से। प्रजा यानी कि हम आप एक दूसरे के बीच से उठ करके जब संसद में जाएंगे तो एक दूसरे की पॉइंट को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सोचो अभी कोई ऐसे आदमी का एग्जांपल लो जो कभी मच्छर जिसको न काटा हो, जिसको कभी गर्मी न लगी हो, जिसके गद्दे में कभी खटमल ने उसको खटिया में चूसा ना हो उसका खून, और उस आदमी से आप कहें कि चलिए ना एक 10 लाइन का एक इससे बोलिए गरीबी पर, तो क्या बोलेगा? क्योंकि ना तो उसने गरीबी देखी है ना उसको गरीबों का हाल पता, और ऐसी स्थिति में वो नहीं कर पाएगा। तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह से लोगों में राजनीति के बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव हुआ। आप लोग ये महसूस कर रहे होंगे, इससे पहले भी अपने चैनल में ये प्लेलिस्ट है नेशनलिज्म इंडिया, 5-6 वीडियोस बनी हुई है इसकी। आज का मेरा तरीका दूसरे उन तरीकों से अलग इसलिए भी है कि आज मुझे इसको समअप करना है, एक ही वीडियो में खत्म करना है। हम आपको ज्यादा से ज्यादा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखिएगा। अप्रैल 1919 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे राजनीतिक बदलाव एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, खेड़ा मोतिहारी यानी कि ईस्ट चंपारण और फिर अहमदाबाद गुजरात, ये सब बहुत याद करने वाले, कॉटन मिल के वर्कर्स और पीजेंट्स के दर्द को याद रखना जरूरी, यानी समप करिए अपने दिमाग में, एक जगह एक रनिंग नोट्स अपनी कॉपी में बनाते चलिए, बस यही समय आपके काम आ जाएगा। तो अब देखिए, लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। हमेशा की तरह जो नेता थे जो लोगों को जागरूक कर सकते थे उनको सीधे उठाया गया और जेल में डाल दिया गया, और महात्मा गांधी को कहा गया कि तुम दिल्ली में नहीं आ सकते हो, क्योंकि तुम दिल्ली में आओगे तो दिल्ली हिल जाएगी। 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक। 10 अप्रैल के दिन पुलिस जो थी वो अमृतसर में कुछ शांति टाइप का कुछ सिचुएशन में वो आती हैं और वहाँ पर वो गोलियाँ चला देती हैं, और जिससे वहाँ पे जो लोग जीवित बच गए या उनके जो रिश्तेदार थे वो लोग इतना पागल हो गए
भाई जाहिर सी बात है जिसका परिवार जाएगा कि ये लोग पुलिस थानों को आग लगाने लगे, उनकी फैक्ट्रीज में आग लगाने लगे, तरह तरह की सिचुएशन पे इनको आ करके बहुत सारी इस तरह की परिस्थितियां उनके सामने आई, जिन परिस्थितियों को देखते हुए अरे ऐसा नहीं कि वीडियो बनाते वक्त कोई पानी नहीं पीता, हम भी इंसान हैं, मतलब कि डेढ़ घंटा भौंके हमें थोड़ा बहुत पढ़ा गया तो प्यास तो लगी है। खैर तो 10 अप्रैल इसकी वजह से उनके रिश्तेदार वगैरह जाग गए, सब समाज जाग गया, बस जा करके जितने अंग्रेज के सेटअप थे कॉलेज इंस्टीट्यूट दुनिया ज्ञान इंडस्ट्री इंडस्ट्री बस धर के सब लोग उसको आग के हवाले करने लगे। और यहाँ महात्मा गांधी सोचे कि अरे बाबू हमने तो सोचा था कि ये सब कुछ नॉन वायलेंस से होगा, यहाँ तो वायलेंस क्रिएट हो गया, यानी कि ये भी एक सत्याग्रह का साइड इफेक्ट था। अच्छा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी महात्मा गांधी की, जय हो, वो जब भी किसी तरह का प्लान करते थे उनका आधा अधूरा प्लान होता था, दो चार लोग पिटा ना जाए वो खुद भी पिटाते थे, उसमें उनको खुद भी जेल होता था। जब तक उनकी बनाई गई किसी पॉलिसी से देश में जगह जगह मार दंगा ना हो जाए तब तक वो उस चीज को विड्रॉ नहीं करते थे। यानी कि इस वीडियो को देखते वक्त आप ये क्लियर समझ लीजिए कि इन सिचुएशंस के बाद अगली सिचुएशन ये आएगी जहां गांधी जी हाथ जोड़ के जनता से कहेंगे कि अब छोड़ दो सत्याग्रह मत करो, देखो आने वाला वो सिचुएशन। तो इस प्रकार से आगे बढ़ता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन क्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, में गया हूं यहां देखा भी हूं जलियांवाला बाग में एक पार्क जैसा था, उस जगह पे बहुत सारे लोग, चूंकि वो जाहिर सी बात है पंजाब है वहां पे त्योहार था और सारे लोग वहां पर मेला घूमने के लिए आए, वैसाखी का मेला था और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। पीपल कम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर व्हाइल सम केम टू अटेंड द एनुअल वैसाखी फेयर, कुछ लोग वहां पे वैसाखी का मेला घूमने और कुछ लोग कानून जो बनाई गई थी उसके खिलाफ लड़ने के लिए आए। General Dyer entered the area, blocked the exit point and opened fire on the crowd and killing hundreds. आया जिस गेट से लोग एंट्री किए थे उसको बंद करवाया और अंधाधुंध गोली चलाई। कहते क्या है, मैंने देखा वहां एक कुआं है, उस कुएं में जो लोग जान बचाने के लिए अंदर कूदे आधे लोग तो कुएं में ही मर गए, क्योंकि भाई एक के ऊपर दो, दो के ऊपर चार तो बचेगा कोई, उस पे भी फायरिंग की गई। दीवार पे खून के छींटे आज भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है तो उसको पेंट उंट करके मिटाया नहीं गया, ताकि इस पीढ़ी को ये पता चले कि वो लोग हंसते हंसते हमारे लिए जान दे दिए कि ताकि हमारा देश आजाद रह सके। आज यहाँ बैठ करके कोई मोदी को गाली देता है, कोई योगी को देता है, कोई अखिलेश को देता है, कोई किसी को गाली देता है, ये सब इन लोगों के बलिदान का ही देन है कि आज आप इतने आजाद हैं कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। वरना अगर आज ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर होती तो आपकी हिम्मत थी कि आप कुर्सी पे बैठते, वो हमें कुत्ता कहते थे, इंडियंस आर डॉग्स, वो हमें कुत्ता कहते थे, कौन ब्रिटिशर्स, उनके लिए हम इंसान नहीं थे, हम उनके लिए स्लेव थे, मजदूर, उनके घर के बधुआ मजदूर, वो हमें मारते पीटते थे और हमसे जबरदस्ती काम लेते थे, आधा पेट भोजन भी नहीं देते थे और दिन रात यातनाएं देते थे। सोचो वो दौर क्या रहा होगा जो हमारे परबाबाओं ने परदादाओं ने झेला कि ताकि भारत इंडिपेंडेंट हो सके, और आज उस इंडिपेंडेंट भारत को हम लोग किस तरह से दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब अपने ही गवर्नमेंट को हम लोग गाली देते हैं। खैर ये बहुत गलत चीज है। तो अब यहाँ से The government responded with brutal repressions and seeking to humiliate and terrorize people. कुल मिलाकर के इनका करने का मतलब ये था कि इससे लोगों में डर भय पैदा करना, लोग डर जाएंगे, जहां सैकड़ों हजारों लोग मारे जाएंगे। अभी आप देखो ना, जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, दो चार दस बिल्डिंगों पे बम गिरे, दो चार दस लोग मारे गए, बस सब लोग धीरे से पोलैंड का रास्ता पकड़े, बगल का नेबरिंग कंट्री है पोलैंड से, रशिया का कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं, लोगों ने सोचा कि तुरंत यहां से सीधे पोलैंड चले जाएंगे, वहां सेफ हो जाएंगे। यानी कि युद्ध के इस सिचुएशन का करने का मतलब यह था कि जो लोग हमसे सीधे सीधे आ रहे हैं ये कह रहे हैं हमें आजादी चाहिए, वो डर जाएंगे और डरने की वजह से हमसे आजादी मांगने की इच्छा भी छोड़ देंगे। समझ रहे हैं? देखिए हम लोग बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे चल रहे हैं। रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखो इस बार का बोर्ड का पैटर्न ये है कि 2 नंबर के भी क्वेश्चन है, 3 नंबर के भी क्वेश्चन है और बच्चों 5 नंबर के भी क्वेश्चन है, मालूम है ना पैटर्न, पता है सबको, 2, 3, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है इस बार हमारे पास। इसमें मैं बाद में आपको बताऊंगा, फिलहाल अभी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सत्याग्रह वाज फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड एंड क्रॉल टू द स्ट्रीट्स, मतलब सत्याग्रही जो थे बच्चों उनके ऊपर में इतनी यातनाएं दी गई कि उनको सड़क पर नाक रगड़वाया गया। नाक रगड़वाने का मतलब आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी यातना होती है, कि कसम खाओ नाक रगड़ो कि आज से कभी आंदोलन नहीं करोगे। इतनी यातनाएं दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें आजादी चाहिए थी। खैर आगे बढ़ते हैं। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत एक उर्दू शब्द है, अरबी शब्द कहेंगे,
इसका मतलब होता किसी के खिलाफ जाना, और मूवमेंट का मतलब आंदोलन, यानी कि किसी के खिलाफ जा करके आंदोलन करना। भाई खिलाफ किसके जाना था, अपने मौसा मौसी के? नहीं, उन अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाना था। रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट एंड इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन्स। हुआ क्या कि जो रॉलेट एक्ट के बाद जो सत्याग्रह लॉन्च हुआ, ये इसकी इम्पैक्ट बहुत कम थी, ये चंद शहरों बड़े शहरों तक ही सीमित था, यानी कि गाँव के लोग, कम पढ़े लिखे लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस मूवमेंट को समझ नहीं रहे थे, यानी कि आवश्यकता थी एक ऐसे व्यक्ति की जो इस आंदोलन को लोगों के घर घर तक पहुंचाए और देश के शहरी और ग्रामीण दोनों लोग इस युद्ध से कनेक्ट हो सके। समझ आ रहा आप लोगों को? बोरिंग हिस्ट्री बोरिंग होता है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ये हिस्ट्री बोरिंग नहीं है। आज जिस 2 साल से आप इस कोरोना को देख रहे हैं ना, एक दिन ऐसा समय आएगा कि जब आपके बच्चे भी इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि एक बार इंडिया में कोई ऐसा पेंडेमिक आया था कि सड़कें सूनी हो गई थी। इतिहास को पढ़ते वक्त अपने आप को उस इतिहास में ले जाओ, समझो कि आज मैं भी उस समय में था। हो सकता है कि आपका पुनर्जन्म हो, इस जन्म में आप यहाँ अभी बैठे हो सकता है उस आज़ादी की लड़ाई में आप भी हों, लड़े हों। तो उस चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि जब कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगे तो सब्जेक्ट में कैरेक्टर के रूप में खुद को महसूस करने लगो। जिस दिन आप उस कैरेक्टर की जगह खुद को महसूस करते हैं, अच्छा सोचो, आप मूवीज देखते हो ना, मूवीज देखते हो, अभी कुछ दिन पहले कश्मीर फाइल्स आपने देखी है, कश्मीर फाइल्स में बहुत सारे लोग सिनेमा हॉल से रोते हुए निकले। क्यों रोए वो? क्योंकि उन्होंने उस कश्मीर के लोगों के दर्द को करीब से जाकर के महसूस किया कि यार ऐसा भी एक इंसान के साथ हो सकता है, उसकी आंख में गोली मारी जा सकती है, उसको आराम मिल में 2 टुकड़े में काटा जा सकता है, इतना दिया इतना। वो चीजें जो उसमें दिखाया गया, वो चीजें लोगों को आत्मा झकझोर दिया बिल्कुल। तो इसको सोचो ना कि हमारे समय में हमारे बाबा दादा, निश्चित तौर पे आपकी पीढ़ी के कोई ना कोई इसमें थे, एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी पहले, क्योंकि तब हमारा देश आजाद नहीं था, 1919 की बात है, यानी कि आज से लगभग 103 साल पहले की बात है। 103 साल पहले आपके बाबा, नहीं तो उनके पिताजी रहे होंगे, यानी उनके साथ ये हुआ होगा, उनको नाक रगड़वाया गया होगा, उनको अंग्रेजों ने मारा होगा। अब वो जिंदा थोड़े हैं कि आप अपनी स्टोरी आपको खुद बताएंगे कि हरे पतवा हमारे साथ ये हुआ था। लेकिन सोचिए कि अगर वो आपके साथ होते और अगर आज वो जीवित होते तो वो ये अपने दर्द को कुछ इसी शब्दों में बयां करते, जिसके लिए आपको इतिहास में चैप्टर दिया गया। बहुत खुश नसीब है आप इसको मन लगा के पढ़ें, ताकि आपके परीक्षा के समय में आप इसको जब लिखें तो आप फीलिंग के साथ अपने आंसर्स को अपने तरीके से लिख सकें। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब मतलब मोर ब्रॉड का मतलब है और बृहद तरीके से महात्मा गांधी ने सोचा कि इसको लॉन्च किया जाए, यानी कि गांव गांव शहर शहर हर जगह। बट ही वाज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोज टुगेदर, क्योंकि हमारा देश हिंदू मुस्लिम ऑलरेडी बट चुका था, मंदिरों में गाय काट के फेंकी जा चुकी थी, मस्जिदों में सुअर काट के फेंके जा चुके थे। इसका नतीजा ये था कि हम हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे पहले से ही, डिवाइड एंड रूल उनका चल ही रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो हमको मार के भगा देंगे, इससे बढ़िया है कि बांटो और राज करो, यानी कि हिंदू मुस्लिम को अलग कर दो। महात्मा गांधी बैठ के इसे सोचे अपने एक्सप्रेशन में, जो उनका एक्सप्रेशन रहा होगा उसमें उन्होंने सोचा कि अरे यार जब तक इसमें हम लोग मुस्लिम भाइयों का साथ नहीं लेंगे देश इकट्ठा नहीं होगा। अच्छा आपके घर में अभी चोर घुस जाए और आपके घर में 4 लोग हैं, 4 में 2 लोग इंजॉय करें उस चोरी को और 2 लोग उस चोर को भगाने की कोशिश करें, तो अंततः चोर आपको 2 लोगों को मार करके चोरी करके चला जाएगा, क्योंकि वो जानता है इनके घर में सब हमसे लड़ने नहीं आएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब किसी देश में एकता नहीं होती है तो विरोधी देश जब आक्रमण करता है, इन्वेड करता है, तो अच्छी तरह से जानता है यहाँ के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इन पे अटैक करना बहुत आसान। आपको बता दूं क्लियर, अगर आज इंडिया में इतनी अच्छी वॉर सिचुएशन नहीं होती, हमारे पास इतने आर्म्स एम्युनिशंस नहीं होते, कोई दूसरी सरकार होती तो मैं गारंटेड कह रहा हूँ कब का चाइना इंडिया में घुस चुका होता, कब का। समझ रहे बच्चों आप, चाइना जो है कब की एंट्री कर चुका होता, कहाँ गया UN। लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशंस का काम है कि पूरे विश्व में शांति बना, यूनाइटेड नेशंस झक मार रहा है वहां पर, जब रसिया उतना बड़ा देश यूक्रेन जैसे छोटे से देश पे हमला कर रहा है, उसके बोलने का कोई असर हो रहा है रसिया पे? हो रहा है? किस इतिहास की बात लोग करते हैं, यानी उस समय में भी अगर कोई संस्था रही होती तो अंग्रेज जितना अत्याचार कर रहे थे वो करते, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यहाँ पे जो मजबूत है उसके लिए कोई लॉ नहीं है और जो कमजोर है उसके लिए सारे लॉ। गांधी जी को लगा कि मैं ये तो करना चाहिए। आगे
अब इसका क्या हुआ, मुस्लिम सोसाइटी डिसाइडेड टू फोर्स ब्रिटेन टू चेंज देयर टर्किश पॉलिसी। अब मुस्लिम धीरे धीरे उनकी जो तुर्क वाली पॉलिसी थी उस पर प्रेशर लगाने लगे। तुर्क में यही पॉलिसी होती थी, मारो काटो जलाओ परेशान करो तंग करो। तो मुस्लिम भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश को प्रेशर करने लगे कि भैया आप तुम्हारा अंत आ गया, इसको छोड़ो खत्म करो मामला। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की एंड देयर वर रूमर्स दैट हर्स पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इंपोज्ड ऑन ओटोमन एम्पायर। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत कब हुआ, जब ओटोमन टर्की जो एम्पायर था वो डिफीट हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि देयर वर रूमर्स, यानी कि ये लोगों ने एक बवाल टाइप का मचाया, लोगों के बीच में एक बात उठी कि हर्स पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन द ओटोमन एम्पायर। मतलब हर्स का मतलब होता है बहुत कठोरतम, पीस का मतलब से मतलब कठोरतम शांति के रूप में कुछ इस तरह की चीजें जो है वो ओटोमन एम्पायर के ऊपर में डाल दी जाएगी, थोप दी जाएगी, यानी इम्पोज की जाएगी। हु वॉज द स्पिरिचुअल हेड, यानी कि खलीफा ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। उस समय में ऑटोमन एम्पायर को इस्लामिक दुनिया का बेहतर बादशाह माना जाता था। और खलीफा कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना आजाद, अजमल खान एंड हसरत मोहानी। मतलब खलीफा एक कमेटी बनाई गई जिसमें लीडर थे मौलाना आजाद, ये सब नाम याद रखने वाला है, स्क्रीन शॉट आप लेते रहिएगा हर स्लाइड का, अजमल खान और हसरत मोहानी। आपसे पूछा जा सकता है आप इसको बताएं। और यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगिन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इश्यू। और उसी समय में मुस्लिमों में मोहम्मद अली और शौकत अली दो बहुत बड़े मुस्लिम चेहरे थे, नेता थे, वो महात्मा गांधी से लगातार इस चीज को बात करने लगे कि किस प्रकार से इस एक्शन को हम लोगों के सामने ला करके प्रस्तुत करेंगे। चाय पानी होगा, खैर आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट स्टैंड विद इन द मूवमेंट। अब एक लड़ाई होती है, आप 10 लोग हैं, एक आदमी एंट्री करता है वो 10 को मारता है, लेकिन 10 एक तरह की सोच उसके प्रति नहीं रखेंगे। जाहिर सी बात है जब देश में युद्ध होगा तो हर आदमी की सोच अलग अलग होगी। कोई सोचेगा ये हमारा खेत छीनने आया, कोई सोचेगा ये मेरा ज्वेलरी छीनने आया, कोई औरत सोचेगी मेरा इज्जत लूटने आया, कोई आदमी सोचेगा कि हमको गुलाम बनाने आया। यानी कि जितने लोग रहेंगे एक मूवमेंट में, एक छत के नीचे रहने वाले घर में ही, आप देखो सबका विचार एक जैसा होता है नहीं, तो ये तो इतना बड़ा देश है। अब अंग्रेज आक्रमण कर दिए, मूवमेंट हो गया, सब अपना अपना सोच रहे हैं। किसी को लग रहा कि भाई हमको ये लड़ाई वड़ाई से मतलब नहीं, हमको तो बस हमारा खेत को अंग्रेज छोड़ दें, रहें या जाए हमको कोई मतलब नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि आज वो अगर हमारे खेत को आजाद भी कर देते तो इस बात की क्या गारंटी है कि फिर 10 साल 5 साल में वो दोबारा ना करें। तो कुछ लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए था। कौन थे वो? लाल बाल पाल नाम आपने सुना होगा जी। इन लोगों का ध्यान पूर्ण स्वराज पर था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वी डोंट नीड यू, वट एवर वी आर हम लोग अपने हिसाब से अपनी दुनिया चला लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं। उसमें एट द सेम टाइम कुछ लोग अंग्रेजों के चमचे भी थे। आपको आज भी बता दे इतिहास में वो भी एक दिन देखा गया था कि जब अंग्रेज यहां से भाग रहे थे तो कुछ भारतीय भी ब्रिटेन चले गए परमानेंटली उनके साथ। क्या मालूम है आपको ये बात? आज आप एनआरआई रटते हो, ये एनआरआई क्या होते हैं? जो हैं तो इंडिया के, लेकिन किसी दूसरी दुनिया के किसी दूसरे देश में जाकर के वहां पर जाकर के बस जाते हैं, उनके ऊपर इमेज लगा रहता है इंडिया का, लेकिन वो इंडिया का कोई भी हक अदा नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे एनआरआईगढ़ बने, उस समय में भी कुछ लोग अंग्रेजों की इतनी ज्यादा चमचई कर चुके थे कि हम भारतीय उनको पहचान गए थे कि ये आदमी उनसे ज्यादा खतरनाक है। तो जब यहां से वो लोग भागने लगे तो उनको भी साथ ही साथ भगाया गया कि तुम भी यहाँ रहने के लायक नहीं हो। जब आपके घर में लड़ाई होगी और बाहरी आदमी आके मारेगा और ये आपका भाई होके उसको सपोर्ट करेगा, तो जब वो चला जाएगा तो आप इसको खुद कहोगे कि तुम भाई किस बात के, तुम कलंक हो, तुम यहाँ से जाओ, तुम बेकार हो, वाहियात हो, बदतमीज हो, जाहिल हो। मतलब इसी एक व्यक्ति, अरे उसको नहीं बोल रहा एग्जाम्पल। Rebellion in the countryside. From the cities, non-cooperation movement is spread to the countryside. After the war, the struggle of peasants and tribal wealth developing in different parts of India. यानी कि अब लड़ाई बढ़ी और धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगी और नतीजा ये हुआ कि अब इस युद्ध में किसानों संसद कूद गए, इस मूवमेंट में सब लोग आ गए। One movement here, war against तालुकदार्स and landlord. ये तालुकदार landlord वो थे जो जमींदार टाइप के लोग थे जो गरीबों के खेतों पर कब्जा करके बैठे थे और उनके खेत में उन्हीं से मजदूरी कराते थे, उनको खाने पीने भर देते थे, मर्दों करते थे, ठीक।
who demanded for peasant extraordinarily high rents and variety of other species. यानी कि बहुत सारी चीजें उनसे अनर्गल टाइप की, देसी भोजपुरी में बोले तो किसी के ऊपर में अनर्गल अत्याचार के, उसकी ही जमीन है उसे पैसों खूब बढ़िया से लो, मरबो करो और उसको तमाम यातनाएं भी दो. पीजेंट हैड टू डू बेगर. अब ये बेगर का मतलब जानते हो क्या, कि काम करो लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, बेगार, जिसको हम लोग आजकल देसी में कहते हैं बेकार है, कोई मतलब नहीं, दिन भर घूमता रहता है. तो अंग्रेजों के लिए हम लोग एक तरह से बेकार हो गए, वो दिन भर खटाते थे और पैसा नहीं देते थे. मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों के बीच में बातें चल रही हैं, इशारेबाजी चल रही है, मतलब पैरों से हाथों से. क्लास में टीचर अगर बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहे तो दो चार ठो जाहिर टाइप के लोग ऐसे जरूर रहेंगे कि टीचर का ध्यान अपने ऊपर बनाए रखेंगे. मैं नेशनलिज्म पढ़ाऊँ कि यहाँ पर मैं आपस में चैटिंग कैसे करते हैं वो पढ़ाऊँ, डिस्टर्ब कर रहे हैं उसे, आंखें सिसारा चल रहा है, दूठो उसमें सो रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, तीन ठो उसमें नींद में, या फंस गए क्या, एक घंटा बजा दिए हमको सलाइकिल से. हर आदमी के मन में क्या क्या आ रहा है मैं खुद बता रहा हूँ. कुछ लोग आए थे सोच करके यार कुछ और होगा, हो कुछ और रहा. कुछ लोग आए कि जो हो रहा है चलो सही है, आज तो हो गया, बिहार में देख लेंगे उनको. अलग अलग तरह के लोग हैं. ये नहीं सोच रहे हो कि सिर्फ 25-26 दिन में आपको अपने जीवन में, अच्छा ये बताओ आप मान लो ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैक्सिमम लोगों की इच्छा हो साइंस पढ़ने की, ठीक, इधर देखिए मैक्सिमम लोग साइंस पढ़ना चाहें, ये बताओ बोर्ड में से सोशल नहीं पूछा जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा. अरे गाड़ी चार पहिए से चलती है ना, तो एक बच्चे का भविष्य सभी सब्जेक्ट में छिपा होता है. ऐसा नहीं कि आप साइंस में 90 रहो, हिंदी में फिर क्या गजब का रिजल्ट है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह. बेटा कितना लाया मैथ्स में 90, साइंस में 90 पर, इंग्लिश फेल, तो बोर्ड में क्या हुआ, फेल हो गया. लेकिन मैथ साइंस में बहुत अच्छा था, इंग्लिश उसको पढ़ना पसंद था नहीं, हिंदी उसको आती नहीं थी, सोशल में वो सो जाता था, साइंस में जगता था, मैथ्स में पढ़ता था. ये पढ़ाई का क्या मतलब है, इसके दो पहलू देखो, सभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लो. आने वाले 3 साल के बाद जब आप बहुत बड़े हो जाओगे, जब 12th पार करके जाओगे, तब आपके पास स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होंगे, उसमें लगाना दिल दिमाग जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, उसी को हम ग्रेजुएशन कहते हैं. क्या कहते हैं, उस समय, अभी नहीं, अभी सब पढ़ लें. तो ओल्ड किसान सभा वाज सेट अप एंड हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड अदर विद इन अ मंथ एंड ओवर 300 ब्रांचेस हैव बीन सेट अप बाय द विलेजर्स. 300 ब्रांच बना गए गांव के रहने वाले किसानों के द्वारा, और ओल्ड किसान सभा जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई. ट्रिबल पीसेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन गिफ्ट अनदर वे. और ट्राइबल पीजेंट्स जो थे, जो मतलब दूर के इलाकों के, मतलब वैसे जो किसान थे, मतलब आदिवासी टाइप के लोग, जो मतलब एकदम अनपढ़ लोग थे, वो लोग महात्मा गांधी की बातों को अपने स्टाइल में लोगों के सामने एक्सप्रेस करने लगे कि एग्जैक्टली इनके स्वराज का मतलब क्या है. अब आइए आगे बढ़ते हैं. द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड टू हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स. आप सोचो बच्चों, एक जंगल है, उस जंगल में कुछ आदि मानव आदिवासी टाइप के लोग रहते हैं जिनकी पूरी जिंदगी उसके इर्द गिर्द है, वो जंगल में ही रहते हैं, जंगल की लकड़ी, जंगल के फल, जानवर को मार के खाते हैं, उनके पास गाय भैंस बकरियां हैं, वो भी वहीं का घास पत्ता खा करके जी रही हैं, और एकदम से कॉलोनी का गेट लगा दिया जाए और कहा जाए कि तुम बाहर हो जाओ. ये कितनी बड़ी यातना है कि आपके घर से आपको बाहर कर दिया जाए और आपके घर का एक भी चीज आपको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाए. जंगल में रहने वाले आदि मानवों का जंगल ही उनका घर है. जैसे हमारे लिए हमारा ये बिल्डिंग है, हम अपने बिल्डिंग में नहीं चाहेंगे कोई दूसरा कब्जा करे, कोई हमें यहाँ हमारी सामान को छूने से रोके. इसी प्रकार से उस समय में आदिवासियों को लगा होगा कि भाई जंगल तो हमारा घर था, इसी में हमारे बाप दादा पले बढ़े, हमारा घर यही था, आज हमें हमारे ही घर में खाने पीने की चीजें नहीं छूने दी जा रही है. फीलिंग लीजिए कितना बड़ा दर्द रहा होगा कि जब आज आपके घर पे अभी यहां से पढ़ के जब आप जाओ और कोई बाहर 4 आदमी बंदूक लेके खड़ा और आपको मार के भगा दे वहां से, कहिए तुम्हारा नहीं है हमारा है, तो उस समय में आप क्या करोगे. शायद उस समय में हमारे आदिवासी भाइयों ने, हमारे किसान भाइयों ने वही किया होगा जब उनके जंगल जो उनका घर था उससे उनको लात मार के भगा दिया गया. फीलिंग में आ गया. अल्लूरी सीताराम राजू claimed that he had a variety of special powers. ये बिचुआ में एक करेक्टर हर चीज चैप्टर में आते हैं. इस चैप्टर में ये थे साइंस में, जैसे न्यूलैंड थे, तो यहाँ भी ये आ गए. बोले कि भाई मैं तो सीधे इंद्र का अवतार हूँ, अब मैं मारूंगा सब भस्म हो जाएंगे. खैर, he asserted that India could be liberated only by the use of force.
एक तरफ इनके पास सुपर पावर्स थी और ये सारे पावर्स चाहते थे कि आजादी के लिए हम लोग लड़ा दे। कुल मिलाकर इनका कहने का मतलब था कि हम आजाद तभी होंगे जब हम लोग पावर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि गलत था। आगे बढ़ते टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। अब लगता है कि हम लोग चैप्टर के समापन की तरफ आ रहे हैं। खैर देखिए, बड़े आसानी से आप समझते हैं सिविल डिसोबीडियंस का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब कि भाई मेरे सामने अभिषेक बाबू बैठे हैं, इन्होंने हमारा पैसा ले रखा है, तो हम इनको मार के इनसे पैसा नहीं छीन रहे हैं। हम इसे कह रहे प्लीज अभिषेक भाई मेरा पैसा दे दीजिए। दिस वॉज सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि अंग्रेजों से बड़े विनम्रता से कि भाई सुना दी, प्लीज भाई बहन प्लीज मेरा पैसा दे दो यार, तुमको माँ का कसम है बोर्ड में फेल हो जाओ, मेरा पैसा लौटा दो, इसे बोल के मतलब कुछ भी किसी को, मेरा पैसा रहेगा तब ना आदि बम गिर जाए तुम्हारे ऊपर, मेरा पैसा दे दो। थोड़ी देर के लिए नींद में आप सीधे चले जाओ वहां पर क्यू में, वहां पे आपके ऊपर एक बम गिर जाए। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। 1922 में महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि अब ये समय आ गया है कि अपना ये वाला आंदोलन वापस लेते हैं। मैंने अभी चैप्टर की शुरुआत में बोला था कि पहले सब खूब कस के पिटवा लेते थे और बाद में आंदोलन वापस लेते थे, ये कभी पहले नहीं सोचते थे कि इसका असर क्या होगा। चलिए तो नॉन कोऑपरेशन खत्म हो गया बच्चों। द मूवमेंट वॉज टर्न वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रही नीडेड प्रॉपरली ट्रेंड फॉर मास स्ट्रगल। इसकी वजह से जगह जगह आंदोलन बढ़ता गया और जो सत्याग्रह आंदोलन में जो लोग शामिल थे उनको खूब बढ़िया से आर्मी की ट्रेनिंग टाइप की दी गई कि अब तुमको तो लड़ना है तो बंदूक चलाना सीखो, बम फेंकना सीखो, मार करना सीखो, किसी को उड़ा दो, कहीं बम फेंक दो, खुद बम पे बैठ जाओ वगैरह वगैरह। सीआर दास मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी। उसी समय में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम स्वराज पार्टी था, कांग्रेस के ही अंदर में, टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। मतलब कांग्रेस के अंदर में एक और पार्टी बनी जिसका नाम स्वराज पार्टी था और इनका मकसद ये था कि जो पॉलिसीज कांग्रेस ने बना दी उस पर आर्ग्यूमेंट हो सके। सॉल्ट वॉज अ पावरफुल सिंबल दैट कैन यूनाइट द नेशन। आपको पता है आज भी खाने में नमक नहीं है, नमक नहीं है तो कुछ नहीं है, तो नमक उस समय में भी बहुत कुछ था। ये नमक ही वो चीज थी जो पूरे देश को एक साथ ला करके खड़ा कर सकती थी, पावरफुल सिंबल। सॉल्ट मार्च वॉज एकम्पनीड बाई 78 ऑफ इट्स वॉलंटियर्स। 78 उनके जो सेवक थे, जो उनके अनुयायी थे महात्मा गांधी के, उनके साथ उन्होंने सोचा कि मार्च का मतलब होता है कि यात्रा पैदल, अब लिखो, तो ये नमक के लिए यात्रा करना इन्होंने शुरू कर दिया। यार ये तो हमारी नदी में है, ये तो हमारे समंदर में, तुम इस पर भी टैक्स लगा रहे हो, तुम इसको भी बेच रहे हो, ये कहाँ का न्याय है। तो महात्मा गांधी इसके लिए, फाइनली महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। बच्चों याद रखिएगा, इरविन पैक्ट पूछता है 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के द्वारा एक समझौते पे साइन हुआ जिसका नाम इरविन पैक्ट था, और इसमें महात्मा गांधी ने अपने मूवमेंट को विड्रॉ करने की मतलब लोगों से गुजारिश की। खैर आगे बढ़ते हम लोग। पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट इन डिफरेंट एंगल्स सच एज पटीदार ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इसमें जो लोग युद्ध का हिस्सा बने थे सबकी अपनी अपनी सोच थी। इसमें कुछ लोग जो पटीदार थे और कुछ लोग उत्तर प्रदेश के जाट थे, जो खेतिहर लोग थे जिनके पास जमीनें बहुत थी, ये लोग इसका लड़ाई का मतलब ये नहीं समझ रहे थे कि भारत आजाद हो, इनका मतलब था हमारा खेत हमारी प्रॉपर्टी आजाद हो। मतलब देखो सोच, देखो ये इस लड़ाई में सिर्फ इसलिए शामिल हुए थे कि इनको अपना खेत छुड़ाना था। To organize business interest formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है सन 1920 में किस संस्था का उद्गम हुआ था, तो आप बोलेंगे FICCI, और इसका मेन मकसद ये था कि भारत के अंदर में ये तमाम जो कमर्शियल इंडस्ट्रीज या एक्टिविटीज हैं उसको ऑर्गेनाइज करके रखना और हमारे लोगों के हकों के लिए लड़ना और उनको प्रॉपर वो सारी चीजें दिलाना। तो ये साल था बच्चों सन 1920, यानी अभी भी आजादी में 27 साल बचे थे। गांधी जी कॉल्ड टू अनटचेबल दैट ही इज हरिजन एंड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। एट द सेम टाइम, चूंकि ये वो समाज था, हरिजनों का वो समाज था, ये वो जाति थी जिसको ऐसा लगता था कि हम समाज से सबसे वंचित हैं, तो महात्मा गांधी ने उनको भी लड़ाई का हिस्सा बनाने के लिए उनको बड़ा प्यारा सा नाम दिया हरिजन, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। उन्होंने कहा कि तुम लोग तुम्हें टच इसलिए नहीं करते हैं जैसे लोग भगवान को टच नहीं कर पाते हैं, भगवान भगवान होते हैं, वैसे तुम्हें भी टच नहीं करते क्योंकि तुम भी भगवान की संतान हो। और चमारों को उन्होंने हरिजन का नाम दिया, बेसिकली चमार ही कहते हैं हमारे शुद्ध भाषा में। अब आगे बढ़ते द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। बच्चों इस
चीज का मतलब ये है, ये चीज हमें ये बताता है कि जब हम क्या ऐसा करें। मान लो देखो अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं, इस चीज को मैं अपने सिचुएशन पे समझाता हूं। कोई बाहर के कोचिंग का लड़का आए मुझे मारने लगे, हो सकता है थोड़ी देर पहले मैंने आदित्य को दो थप्पड़ मारा हो, लक्ष्य को मारा हो, आपको मारा हो, उस बच्ची को मारा हो, आप हमसे नाराज हो, फिर भी जब बाहरी मुझे मारने आया आप सब मिलकर उसको मार के भगा दिए। दिस इज कॉल्ड द सेंस ऑफ कलेक्ट बिलोंगिंग। अपने देश से नाराज रहो लेकिन जब अपने देश पर आक्रमण कोई करे तो सारी चीजें भूल कर। अच्छा, अपने भैया से आप तो लड़ते होंगे, भाई बहन में लड़ाई होती होगी, लेकिन मजा ला कि कोई रोड का आदमी आपके भाई बहन को आकर के आपके सामने मारे। आप अपनी बहन से नाराज भी हो, अपने पापा से नाराज भी हो, अपनी मम्मी से नाराज भी हो, क्या मजा ला कोई दूसरा आदमी आपके सामने आकर के मारेगा, बर्दाश्त कर पाओगे? तो यहां बात थी लोगों को एकजुट करने के लिए। और जानते हैं एकजुट करने के लिए सबसे मूल मंत्र होता है कि लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग जगाना। और नेशनलिज्म की फीलिंग कब जगती है? कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से, जैसे राष्ट्रगान सिनेमा हॉल में जैसे कुछ हो, पिक्चर शुरू हो, जनगणमन होता, हम सब खड़े हो जाते हैं। ये होता है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हरिजन, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, जितने उस सिनेमा हॉल में खड़े हैं राष्ट्रगान पे सब खड़े होते हैं। हाँ या ना? ये है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, अर्थात हमारे अंदर में हमारे देश के प्रति प्रेम मोहब्बत को जगाना और देश की राष्ट्रीयता को हमारे अंदर जीवित रखना। खैर, जाहिर सी बात है इसके लिए कुछ किया गया होगा, राष्ट्रगान लिखे गए होंगे, राष्ट्रीय गीत लिखी गई होगी, झंडा बनाया गया होगा, भारत माता की तस्वीर बनाई गई, बड़ा दिमाग से लोगों ने भारत माता को एक फीमेल का रूप दिया। ध्यान से सुनिए, चैप्टर खत्म है, बस 5-10 मिनट और बचा। एक औरत को बेड़ियों में अगर बांध दिया जाए, जय महास्मती पिक्चर देखो ना बाहुबली, तो उसमें देखते हो ना, वो अपनी माँ को देखता था, तुरंत रथ उड़ा करके सीधे भल्लाल देव चढ़ जाता है। देखो पिक्चर, देखो पिक्चर है, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा देंगे। तो आपके सामने आपकी माँ को अगर बेड़ियों में जकड़ दिया जाए तो बेटा है, क्योंकि ये राष्ट्र अगर हमारी माँ है, भारत अगर हमारी माँ है, तो हम इसमें रहते हैं तो हम इसके बच्चे हैं। और एक बच्चा अपनी माँ को कभी बेड़ियों में बंधा हुआ नहीं देख पाएगा, इसलिए भारत को एक लेडीज रूप दिया गया, जैसे माँ दुर्गा की तरह शेर पे बैठी और उनके ऊपर बेड़िया। अब इस चीज ने लोगों को झकझोर के रख दिया, ऐसा कैसे हो सकता है मेरी माँ को कोई बांध के रखे। ये समय था लोगों को कलेक्टिव करने का, ये तरीका था कि लोगों को एक इस तरीके से बांधो कि लोग इसको माँ बहन समझ करके, आज भी आपको कोई माँ की गाली देता था आप तुरंत उसके ऊपर उछल के मारते हो। तो ये यहाँ पर आपकी माँ को बेड़ियों में बांधा गया था। अब शुरू हुआ खेला, जिसे बंगाल में ममता बनर्जी बोलती है खेला हो गए। तो क्या खेला हो गए वो देखिए। पहला, नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजंस एंड कम्युनिटीज बिगिन टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन अ फिगर ऑफ इमेज। और पूरे देश को एक जगह इमेज बना करके, जो आज आप भारत का नक्शा देखते हैं, डिजाइनिंग करके इसको एक देश का रूप दिया गया। और लोगों को, तुम ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, हम सभी पे आक्रमण करने वाला एक है, इसलिए हम एक है। लोगों को अलग अलग भाषाओं में, कन्नड़ बोलने वालों को कन्नड़ में, भोजपुरी बोलने वालों को भोजपुरी में, हिंदी बोलने वाले को हिंदी में, मलयालम मलयालम, मराठी मराठी, बंगाली बंगाली, जो जिस राज्य में जिस जगह पर रहता था वहाँ की जो भाषा थी उस भाषा में उसको एहसास कराया गया कि हम गुलाम हैं, हमें इकट्ठा होकर के इनको मार के खदेड़ के भगाना है यहाँ से, ताकि हम अपने राष्ट्र को, क्योंकि उस समय भारत एक देश के रूप में नहीं था, हमारे यहाँ किंगडम हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? मगध किंगडम, अवध किंगडम, ऐसे राजाओं का तंत्र हुआ करता था। और हमारे यहाँ के राजा ही बेकार थे, वो अंग्रेजों के साथ मिलकर के भुला गए, अंगूर का गुच्छा मुंह में डाल लेते, यहाँ पर लोग खत्म, कहानी हैं, सेल्फी ले रहे थे, मतलब उसमें सेल्फियों कहाँ था, मतलब मस्त थे सर, मार में जाओ। अरे एक आदमी साइकिल से चल रहा है, उसको मर्सिडीज चला के दे दो तो पागल नहीं हो जाएगा? उस समय हमारे देश के राजा घोड़ा चलते थे, मोटर गाड़ी सुने नहीं थे, अंग्रेजों सब आए चटकार पकड़ा दिए, ये कहीं का चीज है, तो अपने आप भाग रहा है। वो कार को समझ रहे थे, वो हमारे देश को समझ रहे थे। और इस तरह से जब तक वो कार में बिजी थे, अंग्रेजी शराब में बिजी थे, पहले हम लोग महुआ ताड़ी पी करके जी रहे थे, वो पकड़ा दिए बड़ा बड़ा बोतल, राजा बोतल में गाड़ी में मस्त हो गए, और यहाँ की जनता पस्त हो गई, तो रजवे हम लोगों के गड़बड़ थे। तो लोगों को बताया गया कि अब राजाओं को हटा करके तुम्हारी गली तुम्हारे मोहल्ले में से एक नेता निकलेगा जो तुम्हारे दर्द को समझेगा, बात समझ गए? तो इस तरह से लोगों को रिवोक किया गया कि देश फिर आजाद होगा, यहाँ पे हमारे तुम्हारे बीच में से एक आदमी राजा बनेगा और वो हम सभी के दर्द को समझेगा और हम प्रजातंत्र का हिस्सा होंगे, इंडिया में डेमोक्रेसी चलेगी।
The image of Bharat Mata was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay in 1870 when he wrote Vande Mataram. अब दो लाइन यहाँ पे क्लियर करिए. 1870 में वंदे मातरम लिखी गई थी और भारत माता की फोटो बनाने वाले व्यक्ति का नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय था. For our motherland, Indian folk songs, folk song was bard played an important role in the making the idea of nationalism. मतलब जगह जगह नुक्कड़ नाटक करना, देश के लोकगीत बनाना, छोटे छोटे गीत, जैसे आज भी हमारे यहाँ शादी होती है, बच्चे होते हैं, सोहर गाया जाता है, शादी के गीत गाई जाती है, वैसे देशी क्षेत्रीय भाषाओं में भारत माता को लेकर के अलग अलग जगहों पर भाषाओं में गाना बनने लगा. लोग इसको सुन करके एकदम, पहले तो बैठे रहते थे, ढोलक उलक ताल बजाते थे, जैसे गाना खत्म होता था बस लाठी ले किसी को मार देते थे. मतलब इतना आग उनके अंदर भर दिया जाता था, अंग्रेज ना मिले तो अपने ही घर वालों को सुता दो मार के. मतलब पूरा एकदम नेशनलिज्म कूट कूट के, मतलब फोन तो ऐसे उठा रहा जैसे लग रहा कि किसी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी फोन आ रहा है. तो अच्छा, क्या बात है, जन्म देने वाले का, क्या बात है. इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर एंड इन मद्रास नेताजी शास्त्री ऑफ फोक टेल्स एंड सॉन्ग्स विच लेड टू द मूवमेंट ऑफ फोक रिवाइवल. धीरे धीरे लोक रूप से आम लोगों के बीच में ये गाने, ये छोटे छोटे लोकगीत, ये राष्ट्रीय गीत, ये राष्ट्रीय गान, ये भारत माता के बीच लोगों को कहीं ना कहीं एक बहुत जागरूक कर दिया और लोग देश के लिए लड़ना शुरू कर दिया. अब ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अ ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड येलो फ्लैग वाज डिजाइन इन बंगाल. बंगाल में एक तिरंगा बनाया गया. इट हैड 8 लोटसेस. यानी कि आप ये भी याद रखिएगा कि पहला झंडा बंगाल में बनाया गया, तीन रंग का था, उसमें 8 कमल बने हुए थे. 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस एंड क्रिसेंट मून. यानी क्रिसेंट मून का मतलब जो काजू के शेप वाला चंद्रमा होता है, जो ईद में देख करके लोग मुबारक, ईद मुबारक, या हमारे यहाँ जब हम लोग पूर्णिमा या वैसा कोई त्यौहार हमारी माएँ करती हैं, जब कटा हुआ चांद देखते हैं, उसे हम लोग क्रिसेंट मून कहते हैं. ये आपने साइंस में 6वीं 7वीं में पढ़ा होगा, फेसेस ऑफ मून करके एक चैप्टर, याद है ना. तो जब चंद्रमा पूरा होता है तो फुल मून, और जब कट कुट करके लास्ट में एक तो काजू जैसा है, बिस्किट का खड़ी टुकड़ा जैसा बचता है, तो उसको हम लोग क्रिसेंट मून कहते हैं. यानी कि हमारे झंडे का रंग 3 रंग का था, उसमें 8 कमल बने हुए थे जो 8 प्रोविंस को, यानी कि 8 किंगडम को दर्शाते थे. और उसके साथ ही उसमें बच्चों एक और खास चीज था, क्या था, क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम. और जहाँ चंद्रमा सटा दिया गया वही मुस्लिम एक हो गए. इसीलिए आप देखते होंगे हर मुस्लिम कंट्री के झंडे में चंद्रमा का फोटो जरूर होता है, क्रिसेंट मून का, है ना, बांग्लादेश से लेकर. मींस ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री द नेशनलिस्ट राइटर आर्ट एंड लीडर टू टेक प्राइड इन इंडिया ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द पास्ट and struggle to change the miserable condition of life under British rule. अब यहाँ के बड़े बड़े लेखक यहाँ हमारे ऊपर जो आप बीती बीती थी उस पर कहानियां लिखने लगे, कैसे कैसे हम लोगों के पूर्वजों ने लड़ा. यानी उस जमाने में भी कोई तुरंत पैदा हुआ था, कोई 18 साल का हुआ था, कोई 20 साल का हुआ था, तो भाई उसको कैसे जगाया जाए. तो उसको ये बताया गया कि तुम्हारे पापा इसी नहर के तरफ से जा रहे थे, अंग्रेज उनको बैठे हुए थे, वो मतलब सुबह का समय था, मतलब समझा करिए लोटा और बाल्टी लेके, और उसी समय गोली मारे थे उनको. अब कितना तकलीफ की बात है कि बोला कि हम भी नहीं जाएंगे सुबह में, क्योंकि उसी समय गोली मारेंगे फिर सब. तो तकलीफ ऐसे बताया गया कि आम आदमी उस तकलीफ को समझ नहीं पा रहा था. समझे, कॉमेडी है ये भी कि तुम्हारे पापा यही थे, उन्हीं का खेत था, यही शौचालय कर रहे थे, शौचालय करते वक्त गोली मार दिया उनको. तो बच्चा बोला अच्छा ऐसा बात है, तब बिना शौचालय जाने से पहले हम दूर अंग्रेज को टपकाएंगे. तो इस तरह से लोगों में कहानियों के जरिए उनके, अच्छा अभी जैसे आज भी आपके घर में आपकी दादी, आपकी बुआ, आपकी मम्मी, आपके पापा अपने स्ट्रगल की स्टोरी सुनाते हैं ना, उसमें अगर एकाद रिश्तेदार को विलन की तरह रिप्रेजेंट करते होंगे, तुम्हारी दादी वो याद करो जब मैं सुबह उठता था, मुझे तवा पे उठा के फेंक देती थी और नीचे से तेल रख देती थी और तवा पे उबाल के हमको ढकेल देती थी. अब आप ये सब सुनोगे तो आपका खून खोलेगा. अरे बाप रे बाप, मेरे पिताजी को रोज पास्ता बनाते थे सर, अब इनका नाश्ता करते थे बाद में. ये बदला आपके अंदर में आपको जगाया जाता था. करंट किसी को नीचे से दिया जाता था, लोग कहा जाता था कि जाओ नदी में नहा लो, पीछे से करंट दे दिया जाता था, आधा लोग उसमें नहाते ही टेढ़ होकर मर जाते थे. अब ये सब सोच करके आपके अंदर में एक बदला का भाव जगा. यही वो कहानियां थी बच्चों, हालांकि इसको मैंने हंसते हुए रिप्रेजेंट कराया आपको, वास्तविक ये था कि उनकी यातनाओं को कहानियों के जरिए लोगों को सुनाया जाने लगा. और जाहिर सी बात है जब हम किसी अपने पर अत्याचार की कहानी सुनते हैं तो बदला लेने का भाव जगता है. यही था ये छोटा सा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, जहां पर चंद मिनटों में, कुछ मिनटों में, घंटे भर के अंदर में मैंने आपको इस पूरे चैप्टर की एक दर्शन यात्रा कराई. उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर को इसी तरह से सुन के समझ कर
आप अपने कॉन्सेप्ट को रेडी रखेंगे। और मैंने जैसा कि वादा किया था वीडियो की शुरुआत में कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर बताऊंगा, तो उनमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि बच्चों नॉन कोऑपरेशन अच्छे से आपको पढ़ना है, आपको रॉलेट एक्ट अच्छे से पढ़ना है। देखिए यही सब क्वेश्चन आएंगे, रॉलेट एक्ट, पूना पैक्ट, साइमन कमीशन, जालियांवाला बाग इंसिडेंट, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, हमारी भारत का झंडा कब बना, कब हमारे देश में ये आया, कब हमारे देश में राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत लिखी गई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का क्या रोल था, कुछ इस वीडियो में बताए गए एक एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन थे। आप एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस 10 ईयर्स के हिस्ट्री के क्वेश्चन को, सबसे बढ़िया तरीका होता है पढ़ने का कि बच्चों अभी आपके सामने प्रीवियस 10 ईयर का सैंपल पेपर उठाओ, एक पेंसिल लो या एक हाइलाइटर लो और 100 साल के सारे सेट्स को खंगालो और देखो कि नेशनलिज्म इन इंडिया से कितने क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चंस को एक जगह फोटो खींच करके उसकी एक अपनी नोट्स बना लो और इस चैप्टर की वीडियो को देखने के बाद ट्राई करो घर पे जा करके कि क्या मैं वीडियो देखने के बाद इस क्वेश्चन को समझ के आंसर कर पा रहा हूं। अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी वीडियो को देखने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आया। मैं प्रयास करूंगा कि आपके जितने प्रश्न होंगे उन पे भी एक वीडियो बनाया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।